चलिए मैं आपको ना पेस बता देती हूँ। अभी मैं ड्रेसिंग टेबल देखी, बहुत ही ज़्यादा मैस हुई हुई है। अभी मैंने इसकी डस्टिंग करनी थी तो मैंने सोचा कि चलिए मैं आपको वीडियो बना के दिखा देती हूँ कि देखिए ये सरदार जी की बेस है जो मैंने तकरीबन परचेज़ की थी, सर मंजीत हैं उनसे ली थी मैंने। और ये ब्राइडल बेस है और इसकी जो है ना ये थोड़ी सी डार्क है, अगर आप नोट करें मेरी स्किन टोन के मुताबिक नहीं है। इससे हम कंसील करते हैं झाइयों को, ठीक है, झाइयों को हम कंसील करेंगे। ये एक और है न, किसकी शेफर की बेस है, ये हांडी बेस है, अगर आप देख सकते हैं तो देख लीजिए, हांडी बेस है। ये भी बहुत अच्छी अफोर्डेबल है, आप लोग अफोर्ड कर सकते हैं, और इसको मैं खोल के दिखा दूँगी। तो उसके अलावा ये सॉफ्ट मून टच की जो है ना सॉफ्टवेयर 45, ये भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जो है ना मैंने अभी ऑर्डर दिया था, आज ही आया ये मेरा ऑर्डर, लूज पाउडर, मून टच का लूज पाउडर है, ये भी मेरा आ गया है। उसके अलावा मेरे पास मून टच का ही हेयर सीरम भी उन्होंने मैंने ऑर्डर पे मंगवाया है, ये हेयर सीरम है, ये भी आया है। और उन्होंने मेरे साथ एक गिफ्ट किया है, ये देखिए ये गिफ्ट किया उन्होंने मुझे, ये देख सकती हैं आप। गिफ्ट गिफ्ट हर दफ़ा देते हैं क्योंकि मैं उनकी प्रोडक्ट तकरीबन सारी मंगवा चुकी हूँ, तो ये आप देख सकते हैं। इसके अलावा चलिए मैं एक और चीज़ दिखा देती हूँ आपको, ग्लिटर है, ये है जनाब मिस रोज़ का ग्लिटर, आइस पे भी लगा सकते हैं, चीक्स पे भी लगा सकते हैं, बहुत अच्छा ग्लिटर है। इसके अलावा आपको क्या दिखाऊँ, मेरे पास तो बस फाउंडेशन भरी है। हाँ एक और चीज़ नज़र आ गई जो मैं दिखा दूँ कि ये मिस रोज़ की लिक्विड पेस्ट जो है ये भी बहुत अच्छी, अमेजिंग इसका रिज़ल्ट है। जो मैं जहाँ झाइयाँ या पिगमेंटेशन होती है उसके अलावा जो स्टिक इस्तेमाल करती हूँ वो ये वाली स्टिक होती है। इसका नंबर आई थिंक 100 क्या है, इसका नंबर हाँ 2W है। और ये भी मैं झाइयों पे इस्तेमाल की, थोड़ी सी डार्क है, मैं इसके तो उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छा लगा। ये एक आइवरी, एक मून टच का आइवरी नज़र आ गया, ये है मैं लास्ट में लगाती हूँ बेस, मेरे स्किन टोन जो है ना आइवरी है, तो उम्मीद करते अच्छा लगा होगा। अल्लाह हाफिज़।